नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग ब्रश। अभी मैं वाशी के सेक्टर 7 में एक अर्जेंट सिचुएशन के लिए जा रहा हूँ। तो ये मेरा जर्नी अप टू सेक्टर 7 वाशी और रिटर्न जर्नी है। तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिए, मेरा चैनल ट्रैवलिंग ब्रश सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। मैं अभी सानपाड़ और वाशी के बीच में के फ्लाईओवर पे हूँ, और ये मेरे लेफ्ट साइड में वाशी स्टेशन, वाइट जो बिल्डिंग दिख रही है वो वाशी स्टेशन है, और उसके आगे वाशी स्टेशन के आजू बाजू के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। ये देखो, नीचे रेल ट्रैक भी दिख रहा है और एक लोकल ट्रेन भी दिख रही है, और ये आगे ब्लू कलर का जो बिल्डिंग है वो इन ऑर्बिट मॉल भी है। अभी दोपहर का समय अराउंड 2:30 का है, उसके वजह से बहुत गर्मी भी है। बारिश अभी तक मुंबई में एंटर कर चुकी है, लेकिन इतनी नहीं हो रही है, उसके वजह से ह्यूमिडिटी लेवल भी हाई है। ये मेरे लेफ्ट साइड में इन ऑर्बिट मॉल है, उसकी बैक साइड। ये रोड आगे स्टेशन की तरफ जाता है, अगर आप लेफ्ट में मुड़ जाएंगे तो, और राइट साइड जाएंगे तो टुवर्ड्स हाईवे, और वो हाईवे क्रॉस करके आप वाशी कोपरखैरने की तरफ जा सकते हो। ये वाशी स्टेशन का नज़दीक का एरिया है। यहाँ ये लेफ्ट साइड में पार्किंग के स्लॉट है, जो वाशी स्टेशन के ऊपर ऑफिस है, और यहाँ जो टॉवर से उसमें भी ऑफिस है उनके लिए, वो पेड है पार्किंग। ये सामने स्टेशन का रोड जा रहा था। बहुत ही यहाँ बहुत ही बड़े बड़े टॉवर्स है। यहाँ लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे तो रघुलीला माल की तरफ आप मुड़ते हो। यहाँ थोड़े बहुत से फेमस रेस्टोरेंट भी है। अभी हम लोग वाशी गांव की तरफ जा रहे हैं, वहाँ अंडर पास से हम लोग हाईवे के नीचे से दूसरे साइड सेक्टर 7 की तरफ जाएंगे। ये वाशी गांव का एरिया है, देखिए। हम लोग अभी वाशी गांव के एरिया में पहुंच चुके हैं। वाशी गांव में भी आजकल बहुत से टावर बन चुके हैं और बिल्डिंग बन चुके हैं, और बहुत ही क्लीन रोड और गांव दिख रहा है। पूरी हरियाली है राइट साइड में, और ये छोटे छोटे गांव वालों के घर से एक दो फ्लोर के बिल्डिंग्स है। वाशी गांव क्रॉस करके हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। ये देखो, सामने अंडरपास दिख रहा है, वो हाईवे के नीचे है। ऊपर से जो गाड़ियां जा रहे हैं वो मुंबई बेंगलोर नेशनल हाईवे है। ये अंडरपास से हम लोग दूसरे साइड जाएंगे, और वो साइड पुराना वाशी का एरिया है, सेक्टर 7, सेक्टर 6 जो हाईवे को लग के है वो। ये बहुत ही पुराना एरिया है, ये साइड ही पहला वाशी का एरिया डेवलप था। यहाँ के रोड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ग्रीनरी है, सब रो हाउस है आपको दिख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सब जगह, और बहुत ही क्लीन एरिया है। मैं अभी वाशी के सेक्टर 7 के यहाँ पहुँच चुका हूँ, पीछे वो बस स्टॉप गया। अभी इसके बाद मैं ये वीडियो यहाँ ही रोक दूँगा, और बाद में जाते टाइम भी रिटर्न जर्नी का वीडियो दिखाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ एक मेरे रिलेटिव के फ्यूनरल के लिए अर्जेंट बेसिस पे आया हूँ, तो वहाँ का तो मैं शूट नहीं करूँगा। जाते टाइम मैं आपको ज़रूर वीडियो दिखाऊँगा रिटर्न जर्नी का, तो मेरा ये वीडियो आप देखते रहिए। ये देखो, अभी मैं सबवे पास करके वापस घर की तरफ जा रहा हूँ, वाशी गांव के यहाँ एंटर कर रहा हूँ। यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी है, क्योंकि यहाँ आजू बाजू में जो गांव वाले वो थोड़े खेती भी करते हैं, उसके वजह से ये ग्रीनरी दिख रही है। मेरे राइट साइड में अभी हम लोग वाशी गांव के यहाँ एंटर करेंगे,
मीन्स गांव वैसा भी नहीं है कि आप लोग सोच लेते हैं, अभी वो अच्छी तरह वहाँ टॉवर्स हो चुके हैं। ये देखो मैं अभी गांव में एंटर कर रहा हूँ, मेरे राइट साइड में रेजिडेंशियल एरिया है और लेफ्ट साइड में ये गार्डन दिख रहा है, बच्चों के लिए प्लेइंग ग्राउंड्स है। ये देखो यह गेट था, नवी मुंबई को गार्डन सिटी भी बोला जाता है, उसके वजह से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मेरे सामने जो एक बिल्डिंग दिख रही है वो केरला हाउस है, यहाँ स्टेट बहुत से स्टेट के हाउसेस हैं जो उनके जो सिटीजन मुंबई में रहते हैं उनके मदद के लिए। यहाँ उड़ीसा हाउस है, केरला हाउस है और दो चार स्टेट का अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। यहाँ ये सिडको का एग्जीबिशन सेंटर है जो 2 साल के इसमें कोविड सेंटर भी था, वो ऑलमोस्ट हम लोग स्टेशन के नज़दीक के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के यहाँ पहुँच चुके हैं। आते टाइम भी मैं यही रोड से आया था, अभी घर पे भी यही रोड से जा रहा हूँ। पहला हमको यहाँ आने का तो बहुत घूम के आना पड़ता था पुराने वाशी से, लेकिन अभी वो सबवे और अंडरपास बनने के वजह से ये दिक्कत नहीं, आप झट से रेलवे के यहाँ आ सकते हो। ये देखो ये एक दूसरा स्टेट का भी भवन है यहाँ, ये वाशी स्टेशन रोड है। यहाँ देखो नीचे मोबाइल गैलरी और बाकी कमर्शियल शॉप्स हैं, मेरे राइट साइड में वाशी स्टेशन है। देखो यहाँ बाइक का भी एक शोरूम है और आप लेफ्ट साइड को अंदर मुड़ेंगे तो यहाँ इनऑर्बिट मॉल है, ये दिख रहा है सामने, देखो इनऑर्बिट मॉल। ये एक नई मुंबई का बहुत ही फेमस मॉल है, उसकी मालाड में भी मुंबई में एक ब्रांच है। ये जो ऊपर का फ्लाईओवर है वो फ्लाईओवर से हम मैं घर के आ जाऊंगा, वो फ्लाईओवर पे एंट्री करने के लिए मेरे को अभी लेफ्ट साइड में मुड़ना पड़ेगा और वहाँ से ब्रिज से मैं वो फ्लाईओवर पे ऊपर की तरफ पहुँच जाऊँगा। ये रोड सीधा सानपाड़ा स्टेशन की तरफ जाता है, वाशी का नेक्स्ट स्टेशन है जो ट्रांस हार्बर लाइन पे, हाँ मुंबई CST पनवेल लाइन पे। यहाँ एक न्यूज़पेपर का बिल्डिंग है ये, अभी मैं यहाँ लेफ्ट टर्न लूँगा और टूवर्ड्स पाम बीच वो फ्लाईओवर की तरफ जाऊँगा। यहाँ भी एक बड़ा टावर है, नवी मुंबई का वाशी एरिया का फेमस टावर है, मेरे लेफ्ट साइड में ये देखो दिख रहा है वो दीवार के पीछे, आवरे का टावर है वो। ये देखो अभी हम लोग फ्लाईओवर की यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है और सीधा फ्लाईओवर में पहुँचेंगे, जो आपको जिस फ्लाईओवर से हम मैं नीचे से अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये मेरे लेफ्ट साइड में एक हावरे का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ बहुत से ऑफिसेस और शॉप्स भी है। ये देखो फ्लाईओवर पे मैं आ चुका हूँ, जो वाशी और सानपाड़ा के बीच में का फ्लाईओवर है। अभी जस्ट मेरा घर 300-400 मीटर पे यहाँ से है, इसके नीचे जो रोड है वहाँ से मैं अभी आया था स्टेशन का यहाँ से, और ये नीचे रेल ट्रैक दिख रहे हैं जो लाइन टूवर्ड सानपाड़ा पनवेल की तरफ जाती है। अभी मैं जस्ट 1-2 मिनट में मेरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के यहाँ पहुँचूँगा। तो अभी तक आपने ये जो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरा चैनल ट्रैवलिंग विद सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना भी मत भूलिए।
तो वंस अगेन अभी तक के जर्नी में आपने जो मुझे सपोर्ट दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अभी एक फोर्थ वेव भी आ रही है ऐसा लग रहा है मुंबई और आजू बाजू के एरिया में, तो मास्क पहनिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।